हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए, ताकि आपको डेली जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL की ओर से जारी किया हुआ वैकेंसी है, ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ओर से जारी किया हुआ वैकेंसी है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट है आपके लायक। तो देखिए, जो पहला पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एक इस पर तीन पोस्ट आपको OBC जनरल के लिए है और एक भी आपका जनरल के लिए। इसमें लोकेशन देखिए आपका कोटा है और एक कैगा है, ठीक है, दो लोकेशन है। फिर एक और टेक्निकल ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस और ये जो लोकेशन है मुंबई के लिए, ठीक है। इसमें सैलरी आपको 23,000 मिलेगी, ठीक है, 23,000 की सैलरी मिलेगी आपको। फिर और जो वैकेंसी है, यह आपका साइंटिफिक असिस्टेंट है 4th नंबर पे, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको कोटा है, कैगा है, तारापुर है, ठीक है। और साइंटिफिक असिस्टेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये, ठीक है। और एक पोस्ट और है 7th नंबर पे, आप देख सकते हैं, जूनियर आर्टिसन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। देखिए, इसकी सैलरी 20,000 है और एक 18,000 सैलरी, ठीक है, इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपका। तो देखिए, कैटेगरी 1 जो है इसका, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसके लिए आपका फर्स्ट इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो भी है उसमें डिग्री की डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें आपका क्या होना चाहिए, देखिए फ्रेंड, 60% मार्क होना चाहिए आपका, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री में, ठीक है। वैसे ही टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखिए कंप्यूटर साइंस IT होना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी 3 के लिए, और 60% मार्क होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये इसमें कुछ दिया हुआ है फ्रेंड, तो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, हर एक जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं सबका मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। किसी में डिप्लोमा चाहिए, किसी में डिग्री चाहिए, ठीक है। आपका 7th नंबर देखिए जूनियर आर्टिसन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इस पर आपका ITI पास होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, रेडियो एंड TV हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका वैकेंसी फ्रेंड, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेबसाइट ECIL.co.in पे आपको जाना है, ठीक है, वहीं पे आपको सब चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फ्रेंड डायरेक्टली आपका रिक्रूटमेंट है, तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए उस प्लेस पे जाना पड़े जहाँ पे ये रिक्वायर करते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपका हो जाएगा, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या चाहिए। इसमें देखिए ए नंबर पर देखिए SSC सर्टिफिकेट चाहिए 10th का, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, और बाकी जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ BE BTEC ITI जो भी होगा उस पर आपको करना है, ठीक है, उस सब लेकर के जाना है, ठीक। तो देखिए, इसका ये भी दिया हुआ है कि कहाँ पे जाना है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन सिलेक्शन वेन्यू। देखिए, सभी पोस्ट के लिए जहाँ जहाँ पे है लोकेशन दिया हुआ है, इस लोकेशन पे आपको जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसका लोकेशन, ठीक है फ्रेंड। तो यही है, ठीक है फ्रेंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।